पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में MLA ग्रुप ने विशाल निःशुल्क नेत्र परीक्षा शिविर का आयोजन किया। शिविर में लगभग 700 से 800 लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ। परीक्षण के दौरान लगभग 300 व्यक्तियों को मोतियाबिंद की शिकायत निकली। उन सभी लोगों और निःशुल्क ऑपरेशन हेतु जवाहरलाल रोहतगी स्मारक चिकित्सालय सर्वोदय नगर में निःशुल्क वाहन द्वारा भेजा गया, जहाँ पर उनका निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन, दवाइयाँ, चश्मा प्रदान किया गया। वह सभी व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने के साथ ही साथ उनके खाने व ठहरने की व्यवस्था भी कराई गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर उनको निःशुल्क वाहन से भेजने की व्यवस्था भी कराई गई। वह सभी व्यक्तियों को भेंट के रूप में एक एक कंबल भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम आयोजक मुरारी लाल अग्रवाल, डॉक्टर परवेज अख्तर, अभिषेक कनौजिया, सुमित अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, अखिलेश सिंह, अनूप वर्मा, प्रदीप गुप्ता, जय नारायण यादव, मोहम्मद परवेज आदि उपस्थित रहे। सर, आज यहाँ पर शिविर लगाया गया है, तो कौन कौन मौजूद है, क्या क्या है यहाँ पे? काम तो सिर्फ डॉक्टरों का है। यहाँ जवाहरलाल लोधी हॉस्पिटल के डॉक्टर आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। डाक रूप में उनके टेस्टिंग हो रही है और जो जो आदमी यहाँ फाइनल होते जाएंगे वो गाड़ी में बैठ के जवाहरलाल लोधी हॉस्पिटल पहुँचा दिए जाएंगे। कितने लोग यहाँ पर आए मौजूद होंगे? अभी तो खाली 70-80 आदमी हैं जिनको हम टोकन दे चुके हैं। और शाम तक हम सिर्फ 150 आदमियों को लेंगे। 150 आदमियों का ऑपरेशन के लिए आज तैयारी होगी। वहाँ जवाहरलाल रोहतगी हॉस्पिटल में सिर्फ 150 ही ऑपरेशन हो सकते हैं एक दिन में। और कल जो हम सिलेक्शन करेंगे 150 आदमियों का, उनका ऑपरेशन परसों होगा। तो ये कार्यक्रम 2 दिन का है। हमने प्रकाशन तो एक ही दिन किया था, पर हमें मालूम है कि इसमें भीड़ चलेगी, तो जब तक भीड़ चलती रहेगी तब तक हम उनको भेजते रहेंगे। ऑपरेशन होने के बाद जरूरी लोगों को कोई चीज गिफ्ट दी जाएगा? ऑपरेशन होने के बाद इनको चश्मा भी दिया जा रहा है, चश्मे के साथ हमें एक अपनी सबसे कंबल भी दे रहे हैं, समझे ना। और वहाँ पर खाने पीने की उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो रही है कि जो कल अभी जाएंगे, आज से कल तक रहेंगे, तो उनका खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। सर, गरीबों के लिए और भी कोई इस तरीके से कोई कैंप लगाने का? गरीबों के लिए हम लोग तो कैंप लगाते ही रहते हैं, हमेशा कैंप लगते हैं, एक कैंप नहीं लगता। हम लोग शादियाँ थी, लड़कियों की शादियाँ कराते हैं। उसके बाद अभी हमने बर्तन वितरण किया, हमने 5,000 कंबलों का वितरण किया। आपने देखा हुआ SSP साहब और सबने, सब जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, सबके साथ मिलकर हमने वितरण किया था। तो ये काम तो हम करते ही रहते हैं। मुख्य अतिथि आज के हमारे विजय कपूर जी हैं। इन्हीं की छत्रछाया में जितने भी प्रोग्राम हम आज तक करते हैं, आदेश इन्हीं का होता है, छत्रछाया इन्हीं की होती है, इन्हीं के द्वारा बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं।